मरियातू के रहने वाले 9 वर्षीय शौर्य के अपहरण के बाद उसकी हत्या कर दी गई। आज नया सराय नगरी के सपारूम तालाब से बच्चे का शव बरामद हुआ है। शव बरामद होने के बाद परिजनों ने रिम्स परिसर में हंगामा खड़ा कर दिया। वहीं बस्ती के लोगों ने बरियातू रोड जाम कर दिया है। परिजनों ने अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी की मांग को लेकर रोड जाम किया है। बता दें कि शुक्रवार की रात शौर्य का अपहरण उसके घर के बाहर से किया गया था। फिलहाल बरियातू के रिम्स इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। शव को बोरे में बांधकर तालाब में फेंका गया है। फिलहाल जिस स्थान से बच्चे का शव बरामद हुआ है वहां लोगों की भीड़ लगी है। पुलिस मौके पर छानबीन में जुटी है। ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि शौर्य के पिता लालू यादव का बेलर है। रिम्स में पोस्टमार्टम के दौरान हंगामा किया गया, परिजनों ने तोड़ फोड़ भी की है। मालूम हो कि बरियातू स्थित अपने घर के बाहर जब शौर्य खेल रहा था उस वक्त ही उसे टॉफी का लालच देकर किडनैपर उठा ले गए थे। शौर्य की उम्र 9 साल है। अपहरण के बाद एसएसपी किशोर कौशल ने इसे गंभीरता से लिया था। उन्होंने बरियातू थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया था। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।